देहरादून में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के निजी सचिव आईपी सिंह और पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष आयाज अहमद के खिलाफ डायनवाला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के पीआरओ की ओर से मामले में तहरीर दी गई। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के निजी सचिव आईपी सिंह और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता अयाज अहमद के खिलाफ डायनवाला थाने में धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि आईपी सिंह ने मंत्री के फर्जी हस्ताक्षर कर अयाज अहमद को पीडब्ल्यूडी चीफ के पद पर नियुक्त करने का अनुमोदन कर दिया था। इसके बाद अयाज पीडब्ल्यूडी चीफ बनाया गया। अयाज अहमद और सतपाल महाराज के निजी सचिव आईपी सिंह पर जो है ये डालरवाला थाने में एफआईआर दर्ज हुई है और गंभीर धाराओं में दर्ज हुई है, क्या इसको कैसे देखती है? इसे मैं पूरी तरह से सत्ता के संघर्ष का नंगे नाच के रूप में देखती हूँ। आप देखिए, आज तक तो हमने देखा कि आरोपियों के ऊपर, अराजक तत्वों के ऊपर मुकदमा। पीडब्ल्यूडी में बड़े घोटाले चलते हैं तो, लेकिन इस समय इतना बड़ा मुद्दा सामने आया है कि दूसरे के सिग्नेचर पे कोई और है चल। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मई से इस मामले में सतपाल महाराज लगातार कार्रवाई करने की मांग करते आ रहे हैं कि उनके फर्जी सिग्नेचर से अयाज अहमद को मुख्य अभियंता बना दिया गया है पीडब्ल्यूडी में, लेकिन मई से लेकर के अब जाकर के इस पर एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अयाज अहमद मुख्य अभियंता पद पर बदस्तूर डटे हुए हैं और तमाम घोटाले उनके बदस्तूर जारी। मतलब किसकी लापरवाही से हम समझे? डालनवाला में 7/12 में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमें कि जो कंप्लेनेंट हैं उनके द्वारा बताया गया था कि जो उसमें एक्यूज्ड हैं उनके द्वारा बिना मंत्री जी के परमिशन के, ऑथराइजेशन के, डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ करके एक व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाया गया है। इसी संबंध में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है 419, 420 और IT Act की धाराओं में 467 और 468 IPC में।